जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं जितने ही डिफेंस डायरी में बात एक और महावीर की, जनरल हनुत सिंह की, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 48 से ज्यादा टैंकों को नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों से आपको नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, सरहद पर चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए तीनों सेनाएं अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। उसी दिशा में भारतीय सेना सरहद पर चीन से मुकाबले के लिए लाइट टैंक की तैनाती करना चाहती है, उस दिशा में काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए लद्दाख और अरुणाचल के ऊंचे इलाकों में लाइट टैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। जोरावर नाम से इस लाइट टैंक को डेवलप किया जाएगा, जो T-90 और T-72 जैसे भारी टैंकों के मुकाबले हल्का होगा। आधुनिक तकनीक और संचार प्रणाली से इसे लैस किया जाएगा। दरअसल साल 2020 में लद्दाख में भारतीय सेना के साथ तनाव के वक्त चीन ने लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अपनी तरफ लाइट टैंकों का इस्तेमाल किया था भारतीय सेना के खिलाफ, और उसी दौरान भारतीय सेना को भी इसकी ज़रूरत महसूस हुई। और क्योंकि इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 15,000 से लेकर 16,000 और 18,000 फीट तक, इसी दिशा में आने वाले दिनों में अगर रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो DRDO और मेक इन इंडिया के जरिए प्राइवेट सेक्टर जोरावर के नाम से इस टैंक को डेवलप करेगा। दरअसल जोरावर वो योद्धा थे जिन्होंने ऐसे ही तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जाकर दुश्मन को युद्ध में हराया था। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारत की सेनाएं अब रॉकेट फोर्स की तरफ की दिशा में भी काम कर रही हैं। इसीलिए प्रलय नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल जो 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, उसको शामिल करने की बात की जा रही है। और ये खासतौर से दुश्मन के खिलाफ टैक्टिकल ऑपरेशन में काम आएगी प्रलय मिसाइल। और इसके पीछे की जो धारणा रही है, पूर्व सीडी जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों की युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए तीनों सेनाओं को मिसाइल रॉकेट फोर्स के तौर पर आगे बढ़ना चाहते थे, और उसी दिशा में इस काम को किया जा रहा है। भारत के पास अलग अलग तरह की लंबी दूरी 5,000 से लेकर 7,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है, और इसी तरह से 150 से 500 किलोमीटर अंदर दुश्मन के किसी टारगेट को सटीक ढंग से निशाना बनाने के लिए प्रलय मिसाइल को सेनाएं शामिल कर सकती हैं। तो इस तरह से अब रॉकेट फोर्स की दिशा में तीनों सेनाएं काम कर रही हैं। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो अब न सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन में योगदान दे रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा लेने के साथ ही वो अब लद्दाख के ऊंचे इलाकों में चीन से भी मोर्चा ले रहे हैं। और इसके लिए उन्हें खास तरह की नई ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें नए हथियार दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में गरुड़ कमांडो ने AK-103 राइफल का इस्तेमाल करना भी शुरू किया है, जो कि AK सीरीज की सबसे आधुनिक और कारगर असॉल्ट राइफल मानी जाती है। आने वाले दिनों में भारतीय सेना के लिए AK सीरीज की ही AK-203 राइफल भारत में बनकर तैयार होगी, जो बड़ी संख्या में तीनों सेनाएं उसका इस्तेमाल करेंगी। तो इस तरह से अब गरुड़ कमांडो न सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन को ही अंजाम दे रहे हैं, बल्कि आधुनिक हथियारों के साथ दुश्मन से हर मोर्चे पर मुकाबला ले रहे हैं। ये पहला मौका है जब गरुड़ कमांडो ने जम्मू कश्मीर में भी कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कुछ साल पहले हाजिन के ऑपरेशन में गरुड़ कमांडो निराला को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो ये दिखाता है कि भारतीय तीनों सेनाएं की जो स्पेशल फोर्स हैं वो न सिर्फ कुछ खास ऑपरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मोर्चे पर दुश्मन से मुकाबला ले रही हैं। और उसी कड़ी में वायुसेना की गरुड़ कमांडो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, और वो स्पेशल ऑपरेशन के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख सरहद पर दुश्मन से मुकाबला भी कर रहे हैं। डिफेंस डायरी में बात अब 1971 के एक ऐसे महावीर की, जिसने पाकिस्तान के 48 से ज्यादा टैंकों को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं कर्नल हनुत सिंह की, जो 1971 में महावीर बने, उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हनुत सिंह की बात की जाए, उनका जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक राठौर राजपूत परिवार में हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून में हुई और उसके बाद वहीं से उन्होंने
सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पूर्व 17 पुना हौस में कमीशन प्राप्त किया। उसके बाद 1952 में 17 पुना हौस में शामिल होने के बाद वो अलग अलग पदों पर रहे, और हालांकि उन्होंने 1965 के युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उसके बाद 1971 की जंग में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। उस वक्त वो पुना हौस की 17 पुना हौस की कमान संभाल रहे थे कर्नल हनु सिंह, और उन्हें पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 16 और 17 दिसंबर को वो अपनी यूनिट के साथ बसंतर नदी के तरफ आगे बढ़ रहे थे। उनके और लगातार वो अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। शांत स्वभाव के कर्नल हनु सिंह पूरी सावधानी के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। लगभग 13 दिन तक चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को कर्नल हनु सिंह टैंकों के पीछे पैदल सेना ने बसंतर नदी को पार करने में अहम भूमिका निभाई। लगातार फायरिंग की चपेट में वो आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दुश्मन की मीडियम आर्टिलरी और टैंकों की गोलाबारी की परवाह किए बगैर वो आगे बढ़ रहे थे, अपने टीम का नेतृत्व कर रहे थे। और अगर आप देखें तो सेना के इतिहास में ये अकेला ऐसा युद्ध है बसंतर का जिसमें आमने सामने टैंकों की भीषण जंग हुई, और उसके बाद शुरुआती हमले में दुश्मन के हमले में पुना हौस के 7 टैंक जलकर नष्ट हो गए, लेकिन उसके बाद भी कर्नल हनु सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी टुकड़ी को दोबारा टुकड़ी का हौसला बढ़ाया, नई प्लानिंग के साथ वो दुश्मन पर की तरफ आगे बढ़े, और उन्होंने कर्नल हनु सिंह की जोरदार रणनीति की बदौलत उनके सैनिकों ने, उनके साथियों ने पाकिस्तानी सेना के 48 से ज़्यादा टैंकों को नेस्तनाबूद बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से अपनी बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल की वजह से कर्नल हनु सिंह ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हुई। और बसंतर के युद्ध में टैंकों की भीषण आमने सामने की लड़ाई में कर्नल हनु सिंह ने एक नया इतिहास लिखा। शुरुआती हमले में अपने टैंकों के बर्बाद होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद ऐसा जोरदार निर्णायक हमला किया जिसमें पाकिस्तान के 48 टैंकों को उन्होंने बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। उनके इस अदम्य साहस और योगदान के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी अगर रेजिमेंट की बात करें तो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जो कि हनु सिंह की यूनिट के थे, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 8 अप्रैल 1983 को मेजर जनरल और वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर आगे उनका पदोन्नत हुए। उन्होंने सेना में आगे सेवा की, और उन्हें 1971 में उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक महावीर जिन्होंने अपनी यूनिट का नेतृत्व करते हुए ऐसा कारनामा किया कि इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जोड़ा, और उसके बाद भी वो भारतीय सेना का हिस्सा रहे। उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपना जीवन ध्यान और योग को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही 11 अप्रैल 2015 को उनका देहावसान में निधन हुआ। लेकिन जनरल हनु सिंह ने सेना के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई में ऐसा महा योगदान दिया जिसकी चर्चा न सिर्फ भारतीय सेना करती है बल्कि दुनिया भर के सैन्य इतिहास में उनके इस युद्ध की चर्चा होती है, उनके इस पराक्रम सैन्य रणनीति की चर्चा होती है। डिफेंस डायरी में हमने आपको 1971 के और भी ऐसे कई महावीर महायोद्धाओं की कहानी सुनाई, लेकिन जनरल हनु सिंह अपने आप में एक महायोद्धा थे जिन्होंने अपनी वीरता से नया इतिहास लिखा। डिफेंस डायरी के आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।